भगवान महावीर का, मंगलकारी चरित्र का। आज दसवां दिवस है कथा के दसम भाग का। स्वाध्याय हम सब प्रारंभ करते रहते हैं, सावधान होकर के मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिर्याणं, नमो वज्रयानं, नमो लोये सविशाऊनं। मंगलं भगवानि वीरो मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं। सर्वे मंगल मंगल्यं, सर्वे कल्याणकारिकं, प्रदानं सर्वे धर्मानां, जैनम जयतु साक्षिणम्। नमः श्रीवर्धिमानाय निर्दूतकलिलात्मने, शलोकानां त्रिलोकानां यद् जीता सुवट दुर्मोहिषा, प्रभु मदन को निर्मज किया। जग शिविरत हो आत्मरत, परमात्म पद को पा लिया। तत्वोपदेश दिया प्रभो आदेय शुद्धात्मा कहा, हे वीर जिनवर तुम प्रसाद सुसैज निज पदी अम्लाहा, सहज निज पद हम लहा। सर्वज्ञ संजयवंत वर्ते, निर्गंथ सा संजयवंत वर्ते। हे वावे अविचिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ सा संजयवंती वर्ते। शशनाग दिवादि महावीर भगवान की जय हो। आत्मा का उत्सर्ग यही उपसर्ग कहलाता है। आत्मा का उत्सर्ग अर्थात शुद्ध आत्मा का छूट जाना, यही उपसर्गों का कारण है। अगर ये शुद्ध आत्मा को हम त्याग कर बैठे हुए हैं, बाहर में कोई उपसर्ग नहीं दिख रही तो भी निरंतर उपसर्ग है। और ये शुद्ध आत्मा हमारी श्रद्धान ज्ञान आचरण में बरत रहा है, तो भाई उपसर्ग होने पर भी उपसर्ग नहीं है। आचार्य महाराज कहते हैं कि भव्य जीवो, शुद्ध आत्मा को विस्मृत नहीं करना, शुद्ध आत्मा का त्याग नहीं करना। शुद्ध आत्मा के त्याग से ही राग देश मोहादि भाव आते हैं, जो महा दुखकारी हैं। प्रभु महावीर का मंगलकारी चरित्र की वाचना कर रहे थे। पूर्व भवावली का वर्णन, उनके मूल भव का ज्ञानमयी बचपन, वैराग्यमयी युवापन और बैराग 30 वर्ष की अवस्था, और उसमें मंगलकारी ज्ञानेश्वरी दीक्षा,
उनकी मुनि पद की साधना में वे उज्जैन के बियावान जंगल में भगवान चिदानंद आनंदकारी परमात्मा के ध्यान में निमग्न थे। तब एक यक्ष आकर उनके ऊपर उपसर्ग करने लगा, उनको आत्मा से चलायमान करने के लिए। कैसा उपसर्ग कर रहा है वहां अपन ने कथा छोड़ी थी, आगे कथा की वाचना करते हैं। किया भयंकर उपसर्ग डाकनी भूत प्रेत छोड़े अग्नि बरसाए पत्थर बरसाए तो भी प्रभु तो ऐसे खड़े। अग्नि बरसाए पत्थर बरसाए तो भी प्रभु तो ऐसे ही खड़े। भयंकर अग्नि की ज्वालाएं बरसाते कर रहा है, पत्थरों की बरसाते कर रहा है, प्रभु वीर के ऊपर उपसर्ग नहीं कर रहा, भाई पत्थर अपने ऊपर बरसा रहा है। रे नादान, तू इन पर क्या पत्थर बरसाएगा? जे चैतन्य के अभेद किला में राजी हुए हैं और इनको तो उस चैतन्य की भावना में बंधी हुई है पुण्य से, तीर्थंकर प्रकृति का योग है, भाई के पत्थर आदि भी इनके तन को छूने वाले नहीं है। भयंकर पत्थर, भयंकर ज्वालाएं डांकनियां मुंह से आग्नियां निकालती, चित्कारे करती, आहाकार करती हुई आ रही हैं, लेकिन वे वीर मुनिराज वर्धमान महावीर मुनिराज महावीर स्वरूप भगवान चिदानंद द्रव्य से चलित नहीं हुए। जोस्तु अपने स्वरूप से चलित होगा तभी अन्य द्रव्य चलित करने में निमित्त होंगे, और जो तू अपने अचल स्वरूप को भाता रहेगा तो कोई भी चलायमान करने में समर्थ नहीं है। भगवान आत्मा तो अचल द्रव्य है, उसको देखने वाले को कौन चलित करे? भी मुनिराज तो चैतन्य के सहज ज्ञान गण रूपी अव्यावादी जिसमें कोई बाधाएं नहीं है, ऐसे सहज ज्ञान रूपी अव्यावादी चैतन्य किला में राजी थे। अतः वे उपसर्गी, वे आवाजें, वे अग्नि की बरसातें, वे नाना प्रकार की पीड़ाएं देने का उपक्रम उन तक पहुंची नहीं रहा। क्यों? निवेद चैतन्य गुफा में अभे सदाई राई वेदन जिने नहीं किसी से भय, जिनको जिनको भी ना भय किसी से, निर्वय ज्ञानी गोपा मेरे शिव पथ दर्शाई सभी को। भगवान मुनिराज तो भगवत स्वरूप महावीर मुनिराज साक्षात सिद्ध परमात्मा भी मुनिराज अपने स्वरूप में अचल रहे। भाई यक्ष भव नाम का यक्ष, उस यक्ष का नाम था भव, भीषण उपसर्ग कर रहा है
लेकिन भी मुनराज तो अपने चैतन्य में राज रहे। और जब वो विफल हो गया, भव हार गया, उपसर्ग हार गए, भयभीत भयभीत होकर भाग जाएंगे, परंतु अभय स्वरूप आत्मा को भाने वालों को कोई भी भय चलायमान करने में समर्थ नहीं है। आखिर 70 वर्षाता वर्षाता, अग्नियां वर्षाता वर्षाता, हवाएं और नाना प्रकार के उत्सर्ग करता भय भव नाम का यक्ष हार गया। हार मानी चरणन में नम स्तुति करते दिखाते हैं, महावीर भगवान का मंगल चरित सुनाते हैं। नौ जी मंगल जैन पुरा न्यासो जीवन बनी महान। बोलो देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय, महावीर मुनराज की जय। हो हार गया वो, कहने लगा वास्तव में ये महावीर वीर तो है ही, ये तो अति वीर है, अत्यंत वीरता को धारण करने वाले, हाथ जोड़ लिए खड़ा हो गया। हे भगवान मेरा अपराध क्षमा हो। इंद्र सभा में चर्चा वीरता की चल रही थी, आपकी अद्भुत दशा की। मुझे कौतूहल हुआ, अतः मैं उपसर्ग करने चला आया। लेकिन आप सचमुच महावीर नहीं अति वीर हो, जो अपनी चैतन्य स्वभाव से जरा भी चलित नहीं हुए हैं। लेकिन वे मुनराज वीर तो अभी भी अति वीर ही हैं। भव जब उपसर्ग कर रहा है, तब भी वे अपने चैतन्य में राजे थे, और भव जब स्तुतियां कर रहा है भव नाम का यक्ष, तब भी वे चैतन्य में राजे हैं। ये उनकी अति वीरता का द्योतक है। ना तो उपसर्गों में राग द्वेष है, ना उपसर्गों में द्वेष है, ना स्तुति के काल में राग है। 70 वर्षा रहा था तब तब कोई राग द्वेष नहीं आया, और जब चरणन में झुक रहा है तो राग नहीं आया। प्रभु तो राग द्वेष से रहित हुए अपने चैतन्य स्वभाव में राज रहे थे, इसीलिए उन्होंने भव को हरा दिया। हम भी यदि वीर के अनुयायी हैं और भव को हराना है, तो भव नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं देगा। भव मतलब कर्म व्यवहार की परिस्थितियां प्रतिकूलताएं देंगी, अंतर में उस प्रकार के राग द्वेष आदि परिणाम आए हैं, अनुकूलताएं हों, रागादिक हों, लेकिन इन सब में कहीं अटकना नहीं है। पहले नंबर तो भव प्रतिकूलताएं देगा, हम द्वेष नहीं करेंगे। भव अनुकूलताएं देगा, हम राग नहीं करेंगे, तो हम वीर के भक्त हो गए। और अगर उसने कोई कर्मादिक नहीं कि अनुकूल प्रतिकूलताएं मिली और हम द्वेष कर बैठे, अनुकूलताएं मिली हम राग कर बैठे, तो हार गए, हम वीर के भक्त नहीं रहे। हम महावीर की है संतान, रहेंगे निर्वय चैतन्य थान। हम प्रभु महावीर की संतान हैं, हम भव से हारने वाले नहीं हैं, हम भव को हराएंगे। महापुरुष भव से नहीं आ रहे हैं, भव को हरा दिया है। भव ही हार कर छोड़कर चला गया, लेकिन बेभव से, भव जनित दुखों से, भव जनित सुखों से, सुखों से हारना मतलब उन भव जनित सुख को, पुण्योदय की सामग्री को अपने अच्छा मान करके बैठ जाना और दुख को बुरा मानना, ये भव से हारना है। भव जनित दुख से रहित, सुख से रहित जो चैतन्य भगवान है उसमें राजे रहते हैं, उनको कोई भी भव की बाधा,
हराने में समर्थ नहीं है। तो वैभव नाम का यक्ष जब 70 वर्ष आ रहा है, अग्निया वर्ष आ रहा है, तब तो प्रभु देश वैसे के ही वैसे रहे, और अब जब स्तुति कर रहा है, चरणन में झुक रहा है, परिक्रमा लगा रहा है, जय जयकार कर रहा है, अति वीर कहकर स्तुति कर रहा है, तब देवगण आदि तो जयकार लगा रहे हैं, लेकिन प्रभु तो अति वीरता को ही अर्थात द्रवि कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे चैतन्य में राजे रहे हैं, उन्हें कोई विकल्प भाव नहीं है, ना उस अवस्था से द्वेष है, ना इस अवस्था से राग है, वे तो राग द्वेष दोनों ही अवस्थाओं से पार अपने चैतन्य में राजे हैं। इसका नाम महामुनिराज होता है। दिगंबर मुनि जैन मुनियों का यही स्वरूप है, ये वीर प्रभु मुनिराज दिखा रहे हैं। अति वीर के करे स्तुति वर, अति वीर के करे, अति वीर के वै तो, अति वीर के करे स्तुति वै तो सुखकारी, धन्य ध्यान है प्रभु आपका, ज्ञायक मैं अविकारी, आत्म तत्व अचल है प्रभु हम आपसे सीखते हैं, महावीर मोनर भगवान का मंगल चरित्र सुनाते। बोलो अति वीर भगवान की जय, बोलो सन्मति नाथ की जय, बोलो महावीर भगवान की जय, वीरनाथ भगवान की जय। भगवान वर्धमान स्वामी, वर्धमान भगवान की जय, वर्धमान वीर अतिवीर सन्मति, ये प्रभु के नाम के कारण पहले आए बचपन के काल में, और अब ये मुनि अवस्था में अतिवीर नामांकरण हुआ, इसलिए पूजनकार ने लिखा है श्री वीर मायति वीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमानी गुण धीर सनुमति दायक हो। अति वीर की नाम से स्तुति करके और भाई चला गया है, लेकिन यहाँ कुछ शिक्षाएं दे रहे हैं उस भव नाम के यज्ञ का लक्ष्य करके। भवहारा आत्म ज्ञानी के सन्मुखे भाई, उपसर्ग छोड़े स्तुति करता वही तो सुखदाई, हम पर भी भव के उपसर्ग होते दिखते हैं, महावीर भगवान का मंगल चरित्र सुनाते हैं। भव हार गया था, भगवान की मंगल आत्म भगवान के आत्म ध्यान के सन्मुख, और उपसर्ग छोड़कर स्तुति करने लगा था, मुनि प्रभु मुनिराज वर्धमान महावर्ध मुनिराज महावीर के ऊपर तो रात्रि का उपसर्ग था, लेकिन वे प्रभु महावीर कहते हैं कि तुम पर तो भव निरंतर उपसर्ग कर रहा है और तुम उससे निरंतर हार रहे हो, घाते जा रहे हो, और उसके द्वारा हम घाते जाते हुए वास्तव में वीर की संतान नहीं कहला पा रहे। वीर प्रभु समय आत्म ध्यान में ही मैं उपसर्ग टले, बाबू का उपसर्ग वीर स्वामी के समान, कोई कुछ भी करता रहे, हाँ मुझसे न्यारे अपने चैतन्य घन को ध्याते रहे। बोलो भाई चाहे कड़ोरो आ जाए, ये भव का उपसर्ग है, कड़ोरो चले जाए भवसा उपसर्ग है, भव दे रहा है सामग्री,
नाना प्रकार की निंदाएं, अनेक प्रकार की निंदाएं कर रहा है, ये भव के द्वारा करता है। कोई स्तुति कर रहा है, भव के द्वारा करते है। ये सब है पुद्गल के खेलने में नहीं हमारों में, इनमें हम जुड़ गए तो यही उपसर्ग हो गया हमारे ऊपर। और इनसे न्यारे रहे, जो होता रहे वही होता रहे। ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें नहीं हमारों में। जैसे प्रभु अपनी चैतन्य में राजे थे और वे बाहर के उपसर्ग उनको छू ही नहीं रहे थे, ऐसे यह कहते हैं कि तेरे चैतन्य किला में अखंड आनंदमयी कारण परमात्मा में ये परमेश्वर में ये कोई पहुंचते ही नहीं है। जहाँ आत्मा है वहां भवकृत भाव पहुंचते ही नहीं है, और जहां ये पहुंचते हैं वहां आत्मा रहता ही नहीं, छूते ही नहीं है। जैसे पत्थर बरसा रहा था भाई भव नाम का यक्ष, और तीर्थंकर प्रभु के शरीर की भी ऐसी विशेषता होती है कि सीधा कोई उन पर उपसर्ग नहीं कर सके, लेकिन मैं शरीर को भी नहीं छू रहे थे। ऐसे ही इतने उपसर्ग बरसाए इन कर्मों ने, लेकिन मेरे भगवान आत्मा को छुआ नहीं है, क्योंकि भगवान आत्मा तो अबध्य स्पृष्टमयी भगवान है। समझ में आया भैया? प्रभु महावीर के ऊपर उपसर्ग हो रहे थे, ये तुम्हारे ऊपर भी उपसर्ग हो रहे हैं। का उपसर्ग हो रहा है? अरे तुमको जो सेठ कहकर, बालक कहकर, माँ कहकर, चाहे जो कुछ है, जिन नाम लेकर पुकार रहे हैं, ये उपसर्ग कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर। इन रूप अपने को तुम मान रहे हो, ये तुम उपसर्ग करा रहे हो अपने ऊपर। अरे मैं तो चिदानंद द्रव भगवान हूं। क्यों? ये सब मानने से तेरे आत्मा का उत्सर्ग होगा और भाई उपसर्ग होगा। भव के उपसर्ग से बचने को, ये बाबा भव के नाना प्रकार के राग देश मोह आदि भाव, इनसे बचने के लिए ज्ञानी क्या करते हैं? भवातीत होते हैं, महावीर भगवान का मंगल चरित सुनाते हैं। शुद्धात्माई अति वीर है, जैसे प्रभु अति वीर है, ऐसे मेरा शुद्धात्मा भी अति वीर है। रागादि भावे से भिन्न, अनादि से नाना प्रकार के पर्याय में रागादि की बाढ़ बहती रही, कर्मों का बंधन होता रहा, लेकिन ये मेरा चैतन्य भगवान तो अति वीर है, अर्थात अत्यंत भिन्न है इन सब भावों से। शुद्धात्माई अति वीर है, रागादि भाव से भिन्न, आश्रय कर उसका राग का, आश्रय कर उसका राग को, नासे ज्ञानी अछिन्न। बिना छिन्न, बिना क्षण के, बिना देर किए आत्मा का आश्रय करके ही ज्ञानी रागादिक का नाशते हैं, जो रागादिक भवकृत उपसर्ग है। भव को हराओ, भव से नारो, प्रभु वीर के भव को हराए, भव से ना आरे, वीर कहते हैं, महावीर भगवान का मंगल चरित सुनाते हैं। भव भव को हराए, भव से ना हारे, बोलो अपने से जोड़ो, वे प्रभु वीर के भक्त कहते हैं, महावीर भगवान का मंगल चरित सुनाते हैं। जरा सी प्रतिकूलता आ गई, अपन रोल लगे, अनुकूलता आ गई, हंसने लगे, सब अच्छे बोले हमें अच्छा लगने लगा, कोई बुरा बोला हमको बुरा लगने लगा, जरा काम हो गया अपने को कर्ता मान लिया, जरा सा कोई ने वो करा उसमें अपना तो कर बैठे, जरा शरीर में रोग हुआ मैं रोगी, अच्छा हो गया मैं स्वस्थ, ये भव से हार रहे हो भाई, भव से भव को हराओ। अरे जी हार जाए भाग जाए, भव से नहीं हारो। कभी दहा परस
रोने नहीं बैठे हैं, निरंतर कर्मों को धोते रहे। सुरसुंदरी चंदन वाला आदि सतियां, आज प्रसंग आने वाला है। सुरसुंदरी जो सात कौड़ी का राज्य वाली कहानी पहले सुनाई थी, प्रतिकूलताओं में भी प्रभु वीर की भक्ति करते रहे और आखिर वे भव को ही हारना पड़ा, उन बाधाओं को ही हारना पड़ा। इसलिए भव को हराओ, राग को हराओ, मोह को हराओ। मोह से नहीं हारो, मोह जब वो तो आ जाता है, आ जाता है, आने दो। जहां रहा है वहां आने दो, जहां राग आता है वहां आने दो। हमें राग से नहीं हारना, रोग है, रोग आ जाए प्रतिकूल, हमें नहीं हारना। हमें नहीं हारना मतलब अपना उपयोग उसमें नहीं जोड़ना। जैसे भी नाना प्रकार का भव ज्वाला बरसा रहा था, पत्थर बरसा रहा था, डाकरी बोल, ऐसे कर्म नाना प्रकार के राग देश आदि के प्रसंग पैदा कर रहे। मौनी के उसमें जोड़ने से राग देश आदि भाव आ रहे हैं। हारना नहीं है, ये मैं हूं ऐसा नहीं मानना। मैं नहीं आ रहा हूं, मैं नहीं आ रहा हूं, मैं नहीं आ रहा हूं। कुछ मोह वो मेरा नहीं, मोह आए तो बस यही धुन लगाओ, कुछ मोह वो मेरा नहीं। राग आए, राग आ रहा है, राग वो मेरा नहीं। किसी की याद आ रही, याद वो मेरी नहीं। कोई विकल्प आ रहा, वो विकल्प वो मेरा नहीं। अरे प्रशस्त प्रशस्त कोई भी विकल्प मेरे नहीं। कर्म का उदय, अरे कर्म का उदय मेरा नहीं। ज्ञानावरण का उदय मेरा नहीं। दर्शनावरण का उदय मेरा नहीं। मैं तो चिदानंद घन भगवान आत्मा हूं। ऐसा जो अंतर में अपना भल रहता है, वो ही भव को हराने वाला है। जरा सा भी खिसके अपन अपने स्वरूप से सोई आ रहे, ऐसे प्रभु अचल बैठे रहे, ऐसी हम भी अचल साधना करते रहे। इस प्रकार से भाई भव नाम का यक्ष स्तुति करके चला जाता है। पुराणों में महादेव नाम का अंतिम रुद्र का भी नाम आता है, उसने उपसर्ग किया था। या यक्ष नाम का भी आया 24वीं पुराण में, और उसने भी यही उपसर्ग किया। आखिर में अति वीर क्या स्तुति की है। जो भी हो, कहीं अति वीर, कहीं यक्ष नाम भव नाम के यक्ष का आया है, कहीं स्थाणु नाम अथवा महादेव नाम का अंतिम रुद्र हुआ है, उसने उपसर्ग किया ऐसे ही। और फिर अंत में अति वीर क्या स्तुति का परिक्रमा लगा के चला गया, ऐसा भी आता है। आगे मुनिराज महावीर आत्म साधना मीरत उज्जैनी से आगे निकल गई। चैतन्य बिहारी इसमें सदा नतिवंत बन, निज में ही नित रतिवंत रहे, निज में ही नित संतुष्ट रहे, निज में ही नित्य विहार करें, पर द्रव्य में ना विहार करें। भी तो अपने में ही रहते हैं, अपने में ही संतुष्ट हैं, अपने में ही विहार कर रहे हैं। साधिये निषाध कार्य अवरल, साधु रह रत मौन में, वे साधो वे मुनराज महावीर मौन होकर अपने चैतन्य की साधना में लगे। आत्मसाधिना आराधिना माई रत थे वीर, मुनि साधिना करते हुए दिखलाए तत्व गंभीर। आत्मा की साधना और आराधना में मगन, मुनि साधना करते हुए गंभीर तत्व के दर्शन कराते थे। समय सारे मौने रूपम प्रभु हमको दिखाते हैं, महावीर भगवान का मंगल चरित सुनाते हैं। ओ जी मंगल जैन पुराण आशो जीवन बनी महान। समय सारे मौन रूपम ये हमको प्रभु महावीर दिखा रहे हैं। आपको पता है तीर्थंकर मौन रहते हैं, आत्म साधना आराधना में रत वे वीर मुनराज मौन होकर अपने स्वरूप को साधते। अद्भुत तृप्तता, अद्भुत तृप्तता। चार ज्ञान दा ज्ञान धारक तीर्थंकर प्रभो, चार ज्ञान दारी तीर्थंकर प्रभो मुनि अवस्था माई, नहीं बोलते
करते आरा दिन मंगलमय सुखदाय। चार चार ज्ञानधारी अपनी आय मौन होकर अपनी साधना कर रहे हैं। हमें भी कल बात आया को समझा दे, अपने थोड़ा सा ज्ञान हुआ सोचने लगे उनको समझा दे, उनको समझा हैं भाई, प्रेरणा दे रहे हैं पुराणकार वहां पर। आराधना को रखो उर्द जीवन से सीखते हैं, महावीर भगवान का मंगल चरित सुनाते हैं। अपनी आराधना साधना को उर्द रखो, आराधक की प्रभावक होते हैं, मौन साधक की अद्भुत उपदेश देते हैं। आत्मा का उपदेश वाचालता में नहीं होता, आत्मा का उपदेश मौन में होता है। अंतर्मुख चैतन्य तत्व में लीन होने पर ही उस अंतर्मुखी चैतन्य तत्व को दिखाते हैं। निज में चैतन्य में ही मगन हो, चैतन्य दर्शाती अहो। चैतन्य में मग्न होकर चैतन्य दिखाते हैं, ज्ञाता में लीन होकर ज्ञाता की महिमा दिखाते हैं। और इस प्रकार मौन साधना करते हुए उन्होंने एक प्रतिज्ञा हार के लिए धारण की है। क्या प्रतिज्ञा की? व्रति परिसंख्यान तप धारक प्रभु ने ली प्रतिज्ञा भाई। हार के लिए नाना प्रकार की प्रतिज्ञा मुनराज ग्रहण करते हैं कि इस प्रकार का योग बनेगा तो हार लेंगे, इस प्रकार का होगा तो हार लेंगे। तो वीर मुनिराज ने प्रतिज्ञा धारण की है। दासी के रूप में सिरे मुड़ाए, कोई सती होगी हो भाई। हाथ पैर में पड़ी हो बेड़ी तो ही हार लेंगे, प्रतिज्ञा धारते हैं, महावीर मुनिराज का मंगल कथा सुनाते हैं। मुनि अवस्था का वर्णन है, मुनिराज भी कह दी तो विकल्प नहीं। हाथ पैर में बेड़ियां हो, सिर मुड़ायो, कोई दास दास दासी के रूप में कोई महासती हो, उड़ादादिक हाथ में हो हारा जल का, ऐसा प्रतिज्ञा लेकर के हार के लिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं विधि नहीं मिलती। बीत गए कई माह पर विधि नहीं मिलती, अनारी अमृत भोजी प्रभु लख तृप्त थी परणती। दिन दिन बीते, मास बीतने लगे, लेकिन हार की विधि नहीं बनती। लेकिन प्रभु तो अनहारी अमृत भोजी अपना चैतन्य भगवान आत्मा, उस चैतन्य भगवान आत्मा में निमग्न भी मुनराज हार लेने जाते, लेकिन विधि नहीं मिलती तो अंतराय करके चले आते। तो ऐसे आते मतलब तृप्त है, अंतराय भय उत्सव करें। दिन बीतते जा रहे हैं, मास बीतने लगे। माता त्रिशला को विकल्प है कि मुनिराज की विधि क्यों नहीं मिलती। रानी चेलना को और कौसंबी नगरी की महारानी मृगावती जो वीर कुमार की मौसी है, उनको भी प्रभु आते हैं और विधि नहीं मिलती है, विकल्प रहता है निरंतर। बीत गए कई मास परे विधि नहीं मिलती, आनाहारी अमृत भोजी प्रभु लख तृप्त थी परणति। अतीन्द्रिय परमानंद का प्रभो पान सु करते हैं, महावीर भगवान का मंगल चरित सुनाते हैं। चिंतित ते सभी जन क्यों कर विधि नहीं मिले, कौसाम्बी नगर में आए गुरु पर का तो भी
कौशाम्बी नगर में आए गुरु पर विधि ना मिली। कहीं भी नहीं मिली, अब तो कौशाम्बी नगरी के राज्य में प्रभु है, लेकिन कहीं भी विधि। महारानी सहित सब नगर वासी चिंतित होते हैं, महावीर भगवान का मंगल चरित सुनाते हैं। पूरी नगर वासी श्रावक बिंद्र बड़े चिंतित रहते कि प्रभु की हार की विधि क्यों नहीं मिलती। लेकिन वर्तमान ज्ञान पर्याय को त्रिकाली में ध्रुव में डुबा करके तृप्त रहने की, आनंद करने की विधि तो उनको समझ में आती। ध्यानाश तेरे ते भी मनराज, और इधर एक घटना घटती है। क्या घटना घटती है? इधर चंदन वाला सती कुंवर वर्धमान की मौसी, वर्धमान कुमार की मौसी चंदन वाला, जिन्होंने उनके समीप सम्यक और ब्रह्मचर्य लेकर के साधना कर रही थी। सम्यक थी ब्रह्मचर्य व्रत धारी जग से थी उदासी, सखियों सहित उद्यान माई क्रीड़ा में वरते रे, महावीर भगवान का मंगल चरित सुनाते हैं। सखियों के साथ में उद्यान में कीड़ा को कर रही थी। महाराज चेतक का राजमहल से दूर जो उद्यान था, अपनी सखियों के साथ कीड़ा में रत थी। इसकी विस्तार सी कथा अपन पहले महासती चंदन वाला के माध्यम से सुनाई दी, संक्षिप्त प्रभुवीर के प्रसंग में ले रहे हैं। विस्तार से कथा एक एक सिद्धांत को आप वहां से सुनना जो मूल कथा थी। मूल बाये रूप लखे, उद्यान में कीड़ा कर रही थी, तभी वहां से एक विद्याधर निकला और विद्याधरनी चंदन वाला को देखा है। विद्याधरनी चंदन वाला को देखा और मोहित हो गया। ज्ञानी कहती है चिद्रूप को भूलेगा, चिद्रूप को दिखाने वाली इस जिन रूप को भूलेगा, जिन रूप को भूल करके जिन भगवान की मर्यादा को भूलेगा तो जगत के रूप तुझे मोहित करे बिना रहेंगे नहीं। चिद्रूप को भूलेगा, चिद्रूप को दिखाने वाले जिन रूप को भूलेगा तो जगत के रूप तुझे मोहित करेंगे। चंदन वाला का रूप देखा लेकिन जड़ रूप देखा था उसने, भीतरी संयम का रूप, ब्रह्मचर्य का रूप, चैतन्य रूप, शील रूप उसके हृदय में नहीं था। और क्या किया उसने? आओ उद्यान में चंदन वाला को ले गया हरिकर, विमान में बिठाकर जबरदस्ती हरण करके ले गया। सखियां चिल्लाती चीखती रही, महाराज चेतक ने अनेक उपाय करे लेकिन वही तो लेकर आगे चला गया। जो जब तक महाराज चेतक को, महाराजा को पता चला तब तक तो विद्याधर बहुत आगे जा चुका था। चंदन वाला नाना प्रकार से पुकारे कर रही है, मेरी प्राणी जाई तो जाए प्रभो, मेरा सील न जाने पाए विभो। ध्यान में चंदन वाला को हरण करके वह ले गया है। कुछ प्रेरणाएं देती हैं इस प्रसंग में। ज्यों बहिर्मुखी परिणति में जीव को कर्म हरते हैं, मत जाना चैतन्य मैल तज जीव की परिणति, हर लेंगे विवाह तुझको होगी दुखमय गति। ये जीव की परिणति, चैतन्य राजा के महल को छोड़कर मत जाना। अगर बाहर में ये सुबह सुबह बाबों में कीड़ा करेगी तो कर्म रूपी विद्या धरार के तुझे उड़ा ले जाएगा। जैसे
महल से बाहर उस उद्यान में महासती चंदन वाला को हरकर विद्याधर ले गया। ऐसे ही चैतन्य की परिणति यदि चैतन्य से बाहर राग द्वेष रूप विभावों में कीड़ा करेगी तो कर्म रूपी विद्याधर इसको हर के ले जाएंगे। अतारी चैतन्य रूपी कन्या ये चैतन्य की परिणति रूपी कन्या, चेतन कन्या ना चेतन द्रव्य परिणति। तो जे हरि ना जाना हो तो अपने चैतन्य स्वामी के निकट रहना, शुद्ध जीवास्तिका रूपी महल में निवास करना, फिर तुझे कोई राग आदि हरण करेंगे नहीं। विद्याधर हर कर ले गया है, लेकिन उधर उसकी पत्नी आ रही थी तो उसकी पत्नी के भय से उसने पर्णलब्धि नामक विद्या से धीरे धीरे करके ये छोड़ दी, जो उसने धीमे सने 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 चंदन वाला को विमान से नीचे किया है। और एक भयानक वन में भाई वन था कौशाम्बी का, कहां तो वैशाली का राजमहल, कहां कौशाम्बी का जंगल। एक समय पहले कहां, एक समय बाद कहां, कहां गई वे सकिया, कहां गई पिता माता, कहां गए वे सब। अरे भाई कोई रक्षक नहीं होगा, रक्षा करने वाला एक धर्म ही होगा। क्या प्रसंग बनता है उस बियाबान जंगल में। अतः वैशती उस परम रक्षक परम सहाय धर्म की भावना प्रवीर कुमार के साथ हुई, मीठी मीठी मांगलिक चर्चा को याद करने लगी, स्वरूप को भाने लगी, प्रभावों पर द्रव्यों से न्यारे स्वरूप को भा रही है। जंगल है लेकिन धर्म के फल पर फल से मंगल है। कंकड़ीली भूमि है लेकिन भीतर ऐश्वर्षी भगवान आत्मा को भा रही है। बाघ सिंह दहाड़ रहे हैं, सती भीतर से विचार कर रही है, मैं तो अशब्द आत्मा हूं। जो महल में शरण थे वो जंगल में शरण है, जो महल में शरण नहीं थे वो जंगल में भी शरण नहीं है। महल में भी पंच परमेष्टि और शुद्धात्मा ही शरण थे, और जंगल में भी पंच परमेष्टि और शुद्धात्मा ही शरण है। लेकिन जंगल ही नहीं, थोड़ी देर बाद एक पील आया, शील में दड़ देख उसने एक वेश्या को बेच दिया। सती की आंखों से अश्रु झर रहे, मेरे प्राण जाए तो जाए प्रभा, पर शी न जाने पाई विभो। वेश्यानी जब ये लगा ये शीलवंत सती है, ये वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली नहीं है, अतः उसने रूप बाजार में बेचने बिकने के लिए खड़ा कर दिया है। बाँचते हैं, आया एक वील उसने, जंगल में भील आया और उसने वेश्या को बेच दिया। वेश्या ने रूप के बाजार में जाकर खड़ा किया, बोलियां लगाते हुए उस गणिका को पाते हैं, वीर भगवान का मंगल चरित्र सुनाते हैं। चौराहे पर खड़ी है वो पवित्र आत्मा और वो गणिका बोलियां लगा रही है, आओ आओ देखो ऐसी रूप संधि किसी ने देखी नहीं है, और इतनी मोर है इतनी मोर है। अरे रे प्रभु, वीरनाथ की मौसी राजा चेटक की पुत्री, भावी गढ़नी भावी गढ़नी ब्रह्मव्रती की ऐसी गति, उसे ही नगर की रानी के सगी बहन दिखाते हैं, माँ वीर भगवान का मंगल चरित्र सुनाते हैं। राजा चेटक की पुत्री
तीर्थंकर अवस्था में विचरने वाले प्रभु वीर की मौसी, जिनके चरणों में झुक रहे हैं लोग, गणनी माता जी, ब्रह्मचर्य व्रत धारी, और जिस नगर में चौराहे पे बोलियां लग रही उसी नगर की महारानी की सगी बहन। ज्ञानी तो कर्म के साक्षी रहते हैं, कर्म के आगे कुछ करते नहीं है, उदय के साक्षी रहते हैं, क्योंकि उदय से अधिक कोई भी कुछ करने में समर्थ नहीं है। ज्ञाता दृष्टा बनकर खड़ी है, भगवंत का याद कर रही है। तुम ही हो जग में शरणी सारी, निरपेक्ष बांधवी हो तुम ही हमारे, आओ आओ तुम ही हो साथ साथ, ना तो किना श्री जिन देवो के देव श्री जिन देव। भीड़ इकट्ठे हुए लोग देख के रूप बहुत लोग इकट्ठे हो गए, पापी लोग बोलियां लगा रहे, शील सुरक्षा करो प्रभु का हृदय पुकारी, मेरा तारे बिना को न सहारा, जिननाथ प्रभु बरुमारी, मरा तारे बिना को न सहारा, जिननाथ प्रभु बरुमारी, तुम्ही माति पिता तुम्ही बंधु सखा, तुम्ही माति पिता तुम्ही बंधु सखा, थारा ही मुझे परम सहारा, जिननाथ प्रभु बरुमारी। नमो हरिहंतणमी नमो सीताणम, नमो हरिहणमी नमो वजयणम, नमो लोये सब साहूण मे, नमो कारि महामंत्र मारे, मर थारी बिना तऊ न सहारा, जिननाथ प्रभु बरुमारे। और ऐसा भगवंत की भक्ति में मगन है लोग बोलियां लगा रही है, और शीश में सृष्टि मानो धर्म उनकी रक्षा करने आ गया है। धर्म की आप की रक्षा आप करोगे, धर्म आपकी रक्षा स्वयमेव करेगा। धर्म से रक्षित है वही सुरक्षित है। अपनी परिणति से धर्म को मत जाने देना, बाहर के आरक्षक द्रव्य स्वयं ही चले जाएंगे। आरक्षक मतलब जो बाहर के उपसर्ग करने वाले, बाहर की बाधाएं देने वाले भी स्वयं विलय को प्राप्त हो जाएंगे। अतः अपने चैतन्य प्रभु को मत छोड़ना, पंच परमेष्टि को मत छोड़ना। और माँ सती चंदन वाला ने अपनी धर्म भावना को उर्द किया है, और सामने से एक धर्मात्मा सेठ वृषभ दत्त आया है। उसने देखा इस चौराहे पर ऐसी शालीन निगाह करे हुए खड़ी है, इसके वस्त्र से भी ऐसा लग रहा है ये तो कोई उत्तम कुल की कन्या है, ये किसी की ओर देख नहीं रही, वैसे आज ऐसी तो नहीं लगती, ये कोई छोटे कुल की तो नहीं लगती, लगता है कोई उत्तम कुल की कन्या इसी विपत्ति में फंस गई है। और वो धन क्या काम का जो किसी की सहायता ना कर पाए, मेरे पास इतना धन है, मैं इसे पवित्र आत्मा को निकालता हूं, और जो आगे गए हैं सेठ, उत्तम कुल की कन्या लक सृष्टि निकट थे आए, कैसे जाना, शालीन निगाहें, योग्य वस्त्रादेक, निर्विकारी चेष्टाएं, उससे उत्तम कुल का सूचक है। अब चाय जैसे कपड़ा, चाय जैसी निगाहें, दौड़ा भागी चल रही है, सोचना चाहिए हम उत्तम कुल के वासी होकर निम्न कुल जैसे क्यों होते जा रहे हैं। निकट गई हैं, गए हैं सेठ,
जब निकट पहुंचे नमकार सोने लखे जिंदरमी। हो निकट गए तो नमो अरियंतनम नमो सीदानम, ये धुन लग रही थी। ओ ये तो कोई जिन धर्मी है, ये तो वीर स्वामी की अनुयायी है। ओ मेरी पूरी संपत्ति लग जाए, मैं बिच जाऊं तो भी इस अपवित्र आत्मा को यहां से छुड़ाऊंगा। और वैश्या से कहा क्या चाहिए, जो वो मांग रही थी कि वो मोलताल कुछ नहीं किया, तत्काल दिए। लोग पहले तो कहने लगे अरे सेठ को भी ये विकल्प आ गया, लेकिन बाद में मुंह मांगी कीमत दी वैश्या को, कह पुत्री मुंह मांगी कीमत दी वैश्या, कह कर पुत्री उसको लाती है, महावीर भगवान का मंगल चरित सुनाती है। जो पुत्री शब्द सुनाए तो सब धन्य धन्य कह उठे, सेठ का वात्सल्य समझ गए। और पुत्री शब्द सुनते ही पुत्री शब्द सुन चंदना, और मैं वही प्रसन्न, मेरे शील की सुरक्षा हो गई, प्रभु वीर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। धर्म पिता लक धर्म सुरक्षा, अंतर में हुई प्रसन्न, पर शैतानी को दुर्भावे, और मैं ये आते हैं महावीर भगवान का मंगल चरित सुनाते हैं। पर शैतानी का वात्सल्य चंदिना के प्रति नहीं उमड़ा, और उल्टे दुर्भाव आने लगे। मेरा बुढ़ापा देख करके सेठ मेरी सौतन ले आया है और सब दास दासियों की छुट्टी कर दी, बोसों की तो, और चंदना से दूना चौगना काम कराते। सेठ बाहर चले जाते, सेठ को पता नहीं रहता, लेकिन चंदना कुछ नहीं कहती। महलों में पड़ने वाली महासती आज दूसरों का घर सेविका बनकर बैठी हुई है, लेकिन फिर भी निरंतर अपने चैतन्य का सेवन के बल पर प्रसन्नता है। वैसा ही सामान्य भोजन देती, लेकिन चंदना सेठ से कोई शिकायत नहीं करती। ऐसा करते चंदन वाला ने कोई परिचय विशेष नहीं दिया, बस चंदना कह करके ही कहा, ये नहीं कहा मैं महारानी मृगावती की बहन हूँ, राजा चेटक की पुत्री हूँ, कुछ नहीं कहा। ज्ञानी भाई वैभव से अपने को वैभववान नहीं मानते हैं, जो उदय की दशा है उसको सहज स्वीकार कर उदयातीत हो जाती है। और इस प्रकार से उस दशा में चंदन वाला भेद विज्ञान का तीव्रत रही है। बहुत दिवस हो गए, एक दिन सेठ हारे थके थे, किसी दास दासी को बुलाया कि थोड़ा सा जल ले आओ, मेरे पैर धुलाना है। चंदन चंदन वाला स्वयं चंदन के समान, कर्म राग आदि विपत्ति सबसे अलिप्त रहने वाली, उनको लगा ये धर्म पिता ने मेरी सिर की सुरक्षा करी। भले ही यह विकट परिस्थितियां बाहर की दनी है, लेकिन मेरा धर्म तो सुरक्षित है, मेरा सील तो सुरक्षित है, मेरा संयम तो सुरक्षित है। होने दो इन विपदाओं को, धर्म पिता के प्रति अति उत्साहवान होकर स्वयं जल ले आई। मना करने पर भी चंदन वाला उनके पैरों को धोने लगी हैं, धोते धोते उनके बाल जूड़ा खुल गया और जमीन पर गिर गए, धूल में बाल गए। सेठ ने स्नेह बस अपनी पुत्री के बालों को हाथों में ले लिया। सेठ को तो अति स्नेह था अपनी बेटी पर, बेटी चंदना के प्रति। वह कहते मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए तेरी मेरी बेटी है, लेकिन सेठानी का हृदय उनके प्रति सम्यक नहीं हो पाता था, क्योंकि अंतर में बरतने वाले दुर्भाव ही जीव को निरंतर दुखी करते हैं। विपरीत सोच से ही जीव दुखी रहता है। तत्व विचारवान सदा प्रसन्न रहते हैं और दुर्विचार करने वाले सदा खिन्न रहते हैं।
सदा प्रसन्न भी रहते हैं जो तत्व विचारवान होते हैं। तत्व विचारवान ज्ञानी को कोई दुखी करने में समर्थ नहीं है और दुर्विचार करके करने वाले अज्ञानी को कोई सुखी करने में समर्थ नहीं है। चंदन वाला पैर धो रही थी, सेठ ने हाथों में बाल ले लिए हैं और देख सेठानी के मन दुर्भाव ते आए, मेरे पति को बस करने को ये सब स्वांग रचाए। लोटा लेके इसलिए गई मेरे पति बस में हो जाए, और ये भी इसके बाल सहला रहे। ओहो, वो मुझे शंका भी संकत थी, अब तो ये पक्का ही लगने लगा, और पापनी न जाने क्या क्या पाप के विचार करने लगी। सेठ के बाहर जाते सेठानी षड्यंत्र रचती है, उसी दिन से नाना उत्सर करने लगे और सेठ दो तीन दिवस के लिए बाहर गए। और सेठानी ने क्या किया चंदन वाला के साथ व्यवहार, बाल मुड़ा, ये बाल तू मेरे पति को दिखाया करती थी। अरे चंदन वाला की आंखों, माता भी मेरे पिता है, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। चंदन वाला सोचने लगी, उदय के आगे कुछ भी बोलना योग्य नहीं है, मौन हो प्रभु का स्मरण करने लगी। मेरे प्रभु तो मुझे जानते हैं, जगत जानी न जानी इससे मुझे क्या, जगत क्या कहता है इससे मुझे क्या, पर मेरी परमात्मा मुझे क्या कहते हैं, मुझे मेरे परमात्मा मुझे किस रूप में देखते हैं, ये मूल है। मेरे परमात्मा मुझे जो रूप दिखाते हैं उसका मैं पालन करता हूँ कि नहीं करता हूँ, ये मेरा कार्य मुख्य है। जगत से मुझे क्या लेना, जगत की बात मानते हैं, जगत की ओर देखते हैं, देखते रहते हैं, वे जगत में ही रह जाते हैं। मुड़ा दिए बाल, बाल मुड़ाते पैर में बेड़ियां डाली, एक काली कोठरी में ले जाकर उनको डाली। शील विरोध वचन कहे सुने अश्रु जरते हैं, महावीर भगवान का मंगल चरित सुनाते हैं। आंखों में आंसू आ गए, जब शील के विरुद्ध धर्म के विरुद्ध, धर्म को कोई उल्टा बोले तो धर्मात्मा नहीं सुन सकता है, सब सुन लेगा, लेकिन प्रभु की भक्ति में मगन है वे। नियतो के ना श्री जिन देव के देव श्री जिन देव चंदीना पुकारे स्वामी द्वारे पे कड़ी, आओ वीरे स्वामी मो पे विपदा परी। तुम्हारी और के चके मेरे स्वामी, अये वीरे स्वामी मो पे विपदा परी। क्या अंतर में विचार कर रही है वस्तु का, भक्ति करते थे। काला अंधेरा पर चैतन्य के प्रकाश माही, परम शरण परमेष्टि प्रभु को सुमरे सुखदाई। काले अंधेरे में, खोटी सी भूमि में, कारागार के अंदर डाल दिया है, लेकिन अपने चैतन्य को स्मरण कर रही हूँ। तीन दिवस व्यतीत हुए दिखाते हैं, महावीर भगवान का मंगल चरित सुनाते हैं। और तीन दिवस बाद में सेठ विषव देता है, ऊपर देखा नीचे देखा, लेकिन बेटी चंदना नहीं दिख रही है। जैसे ज्ञानी हर क्षण हर स्थान पर अपने चैतन्य को देखा करता है, चैतन्य बिना उसको सब सूना लगता है। धारा खुलियो तो जिन राज ना मिले, मुन राज ना मिले, धर्मात्मा ना मिले, जिन वाणी ना मिले, तो उसको सूना और फीका लगता है। भीतर नासाग्र अपना चैतन्य ना मिले तो सूना लगता है धर्मात्मा को। चंदना के बिना वो महल सूना लग रहा था, सबसे पूछा है लेकिन कोई नहीं कहता है कहां गई चंदना। तब एक
वृद्धा दासी ने इशारा किया एक कोठरी की ओर, उसमें चंदन वाला थी। पूछ रहे आवाज लगा रहे, चंदना ने भी आवाज नहीं लगाई। क्या उदय पर विश्वास होता है ज्ञानी को कि जो होना होगा, धर्म पिता को मिलना होगी तो आ ही जाएंगे। जैसा कर्म का उदय होगा वही कार्य होगा। हमारे चीखने चिल्लाने से कर्म बहुत जल्दी कट जाएगा, ऐसा नहीं। हम तो धर्म साधना में रत रहे। सृष्टि वृषव दात्या चंदना की पूछ रहे, एक वृद्धा दासी का पा इशारा कोठरी माही गए। तोड़ा ताला कोठरी का निका, बाहर निकाले उनको लाते हैं, महावीर भगवान का मंगल चरित सुनाते हैं। मंगल जैन पुरा आशो जीवन बनी महा। पालाए चंदना की स्थिति देख करके सेठ की आंखों में आंसू भरे आए। दूसरों से रोस तोस क्या करें, पहले इसका इसको बीड़ियां तोड़वाएं, फिर बात करेंगे। 3 दिन की बेटी भूखी है, अतः बेटी तेरी हालत बहुत वैसी हो रही है, तू कुछ सेवन कर। ये बेड़ियां मेरे द्वारा नहीं कर टूट सकती हैं, मैं लोहार को बुलाकर लाया हूँ। ऐसा सेठ वृषभ दत्त ने बड़े वात्सल्य से कहा है। लखे भूखे उसको सेठ जी उड़ा दे अरुजल लाए, कर सेवन पुत्री हम लोहारे को बुला लाए। तेरी बीड़िया मुझसे ना खुलती, शीघ्र उसको लेकर आते हैं। चले गए हैं, लेकिन चंदन वाला मानो बोल रही है, मेरी बीड़िया मैं ही खोलूंगी, मैंने बांधी ये दुखदा, ये तात कर्म रूपी बेड़ी मैंने ही तो बांधी, उसका ये नो कर्म रूप परिणमन है, अतः इसको दूसरा कैसे खोल सकता है, मैं ही खोलूंगी। है यस मरते कोई भी दूजा खोलन में ये तात। सेठ गए पर चंदना के और भावे आते हैं। शुद्धि करा के चंदना की शुद्ध स्थान पर बिठा करके बेटा ये कुछ कुल ले तू, और चली गई। पर चंदन वाला के अंदर में भाव आने लगा। मेरा उपवास तो तभी जयकारा महावीर प्रभु की लग रहे, महावीर मुनराज की जयकारा लग रहे, वहीं से निकल रहे प्रभु। और जब वो आए हार के लिए तब प्रभु की याद आ गई। रोजाना पता था लेकिन सोचने लगी, मेरा उपवास तो 3 दिवस का, प्रभु को 5 माई बई 5 महीना और 25 दिवस आज तक प्रभु को हो गए थे, लेकिन वो तो निरंतर ज्ञान अमृत का पान कर रहे थे। प्रभु पदारे दान करा हमें आ, प्रभु पदारे आर दान करा हम आर करें। ओ प्रभु पधार जाए तो प्रभु को हार करा के हम हार करेंगे। भावना परिस्थितियों को नहीं देखा करती है, बाहर की भावना मतलब भीतर की अंतर की का भावना, क्योंकि वह जानती है कि परिस्थितियां स्वयं ही बदलेंगी भीतरी भावना के बल पर। परिस्थिति हम कैसे हार करांगे, बीड़ी तो बन रही है, हम कैसे हार करांगे, हमारे पास तो उड़े दही है जले, वीर मुनिराज को कैसे हार करांगे। अंतर की भावना आहार दान के भीतर से उन्हें भावे आते हैं। भावना सामग्री की मोहताज नहीं होती, भावना होने पर सामग्री सबई मिल जाती। उसी समय अंतःकरण की उठी हुई भावना यदि फलीभूत ना हो तो ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। इधर भावना बहा रही उसी समय
देखते हैं कि मुनराज महावीर और आइए आगे जा करके, प्रभु अंजलि लेकर के आ रहे हैं। कितने दिन हो गए थे प्रभु को? 5 मई 25 दिवस आज हुए थे भाई, पर मुनिवर को कोई भी आकुलता उनमें थी नहीं। निरंतर ज्ञानामृत का वो भोजन करती हैं, महावीर भगवान का मंगल चरित सुनाते। इधर निकट आते जा रहे हैं मुनिराज महावीर। आज 5 मई 25 दिवस हो गए थे, लेकिन भीतर में निरंतर ज्ञान अमृत पान करने वाले, अंत्यकरण की उठ हुई भावना सफल ना हो तो ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। अंदर की भावना थी तो निमित्त खड़े हो गए, आ रहे हैं। सामने ही मुनराज आ गए, चंदना की खुशियां अंतर में और सामने बढ़ते, और मुनराज वीर ने निगाह उठाई है। तब क्या होता है, कैसे बेड़ियां टूट जाएंगी कि नहीं, चंदन वाला हार दे पाएगी कि नहीं, उड़द का या जो का हार देंगी कि खीर का हार देंगी, क्या अद्भुत प्रसंग बनेगा हार वेला का। और उसके बाद केवल ज्ञान की दशा का वर्णन अपना आएगा। कल आहार वेला का मंगल दिवस है प्रभु वीर मुनराज का, तो मांगलिक हार ऐसा अपन कराएंगे, चंदन वाला नहीं, अपन सब मिलकर मुनिराज महावीर को हार देंगे, लीन होकर के भक्ति में हार देंगे। अभी का समय हो गया है, कथा का अगला भाग अगले दिन समय पर आहार दान की वेला के साथ प्रारंभ करेंगे। सत्सन्नायक देवाय देव महावीर भगवान की जय।